मुबतल है शादी हाल वालों का, ताकि इसके साथ बहुत सारे रोगों का कराकरी वाले देख लें, मंडारी वाले, कोरोना शादी हालों में ही लगता है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर नजरसानी करे गवर्नमेंट। और ये कहूँगा कि जो शादी हाल जो पीछे भी इन्होंने 7 माह बंद किए हैं, ये एक बहुत बड़ा माशी कत्ल है शादी हाल वालों का, ताकि इसके साथ बहुत सारे रोगों का रोजगार लगा हुआ है। यहाँ देख लें बहुत सारे मुलाजमीन काम करते हैं, इसी तरह इनके साथ आप मुर्गी वाले देख लें, गोश वाले देख लें, कराकरी वाले देख लें, मनैरी वाले देख लें, सराफा वाले देख लें, बहुत सारे लोगों का, लाखों बंदों का यहाँ इसके साथ रोज़गार लगा हुआ है। और ये बहुत ही बड़ी ये गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है, क्योंकि कोरोना शादी हालों में ही लगता है और किसी जगह पे नहीं लगता है। यहाँ से लाहौर के लिए जब गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ कितने मुसाफर बैठे हुए होते हैं, उधर कोरोना नहीं लगता है। यहाँ पे सुजुकियाँ चल रही हैं, कोरोना नहीं लग रहा, और बहुत सारे बिजनेस हैं, सब बिजनेस जो हैं वो खुलने चाहिए। और हम ये गवर्नमेंट को ये यकीन दहानी कराते हैं कि हमने पहले भी SOPs के तहत काम किया है, जब शादी हाल खुले हैं 1 माह के लिए, क्योंकि इसकी बुकिंग भी 2-2, 3-3 महीने पहले होती है। जब ये कहते हैं कि बंद हो गया तो फिर सारे लोग जो हैं वो आते ही नहीं हैं। अब इसलिए हमारी जो बुकिंग हमने ली हुई थी जो 1 माह खुला है जनवरी तक, वो तो हमारी इन्होंने तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया तमाम शादी हाल वालों का। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने अभी 50% मुलाजमीन को कहा कि वो आएँ, इसी तरह हम 50% जिनके शादी हाल में 1000 की गुंजाइश है वो 500 कर देंगे, 300 कर देंगे। यार चले थोड़ा थोड़ा सबका रोज़गार चलता रहेगा, दाल रोटी मिलती रहेगी, इस तरह ये बंद करेंगे ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। कोरोना वायरस के साथ तो हमने लड़ना है, इंशाअल्लाह ताला हम इसके साथ SOPs के तहत हम शादी हाल में अपने फंक्शन लगाएंगे। और ये कह रहे हैं आउटडोर करना, मुझे ये बताएं ना आउटडोर हज़ारे में किधर हो सकता है, इतनी सर्दी है, आगे लोग बीमार हो रहे हो, जब आउटडोर करेंगे तो वो और बीमार होंगे। लिहाजा इस पर नज़रसानी करे गवर्नमेंट, और ये जो शादी हाल वालों का मायशी कत्ल है इसको फिलफोर इस पर अपना ओपिनियन दें, और नया SOPs के तहत हमें इजाज़त दें कि हम अपना कारोबार जो रिस्क हलाल है उसको हम शुरू कर सकें। बहुत शुक्रिया।